दोस्तों, जीरो से अरबों के मालिक बनने तक का सफ़र आसान नहीं साबित होता। ये हमारे हाथ में ही है कि हम कितना पेशेंस रखते हैं और कितनी ज़िद के साथ अपनी राह पर चलते रहते हैं। आज की कहानी कुछ इसी से मिलती जुलती है। ये कहानी है एक लड़के की, जो कि एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मा और कैसे अपनी मेहनत के दम पर एक कंपनी खड़ी कर दी, जिसका टर्नओवर आज की तारीख में अरबों में है। ये कहानी है एक मिडिल क्लास किसान परिवार में पैदा हुए एक लड़के की, जिसका नाम है कोनोसुके। कोनोसुके एक किसान परिवार में पैदा हुआ। जब वो 9 साल का हुआ तो उसकी किस्मत बदल गई। उसके परिवार की स्थिति एकदम बदल गई। उस साल उनके पास घर चलाने को पैसे भी नहीं थे, तो उन लोगों को अपनी परिस्थिति से निकलने के लिए शहर की तरफ जाना पड़ा और परिवार के सारे लोग काम ढूंढ के उसे करने में लग गए। उस 9 साल के बच्चे ने भी काम किया। उसने दुकान में खुद के लिए काम ढूंढ लिया। अब उस दुकान में उसे और भी काम करने होते थे, जैसे सफाई और उनके बच्चों की देखभाल वगैरह। लेकिन नीति को ये भी मंजूर नहीं था। इस दुकान की अब कमाई कम होने लगी तो वहाँ के मालिक ने उनको वहाँ से निकाल दिया। अब उस लड़के ने एक साइकिल की दुकान पर अपने लिए काम ढूंढा। अब वह वहाँ पर साइकिल की दुकान में काफ़ी सारे काम सीखने में लगा था। वह रोज़ कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। इसी तरह उसने 5 साल तक उस साइकिल की दुकान पर काम किया और काफ़ी सारी नॉलेज इकट्ठी कर ली। अब उसे टूल्स को सही से इस्तेमाल करना आ गया था। फिर उसने ओसाका कंपनी में जॉब का इंटरव्यू दिया और उसे वह जॉब मिल भी गई। उसके पास इतना सारा एक्सपीरियंस था, नॉलेज था, जिसकी वजह से उसे वहाँ का टेक्निकल इंस्पेक्टर बना दिया गया। उससे पहले उसने अपना इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का सारा नॉलेज गेन किया। उसके बाद उसे कंपनी में अच्छे पद की नौकरी मिली। एक दिन उसने अपने बॉस को अपने द्वारा बनाया गया एक सॉकेट दिखाया, जो कि उसने अपनी नौकरी के बाद बचने वाले समय में बनाया था। वह उसे लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट था और उसने बहुत खुशी से उसे अपने बॉस को दिखाया। लेकिन उसके बॉस ने उसको कहा कि ये एक बकवास चीज़ है और ऐसी चीज़ें मार्केट में नहीं चलती। लेकिन उसे अपने इस डिवाइस पर बहुत विश्वास था, तो उसने खुद उस पर काम करना शुरू किया और उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि काम करने के लिए उसे एक टीम की ज़रूरत थी। उसने अपने दोस्तों से बात की, लेकिन उसके दोस्तों ने भी यही कहा कि वह पागल हो गया है और उसे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी, और वह अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा है, जबकि उसके बॉस ने अपने तजुर्बे के साथ उसे ये कह दिया है कि ऐसी चीज़ें मार्केट में नहीं चलती। इसके लिए उसे अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। इसके बारे में उसने अपने भाई से भी बात की, तो अब उसका भाई, उसकी पत्नी और वह खुद और 2 वर्कर इस पर काम करने लगे और उसने खुद मार्केट में जाकर इसे बेचने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी। जब पैसे कम होने लगे तो वर्कर्स ने भी इस काम को छोड़ दिया और अब केवल वह, उसकी पत्नी और उसका भाई इस पर काम कर रहे थे। अब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे, तो उन्होंने एक एक करके अपने घर का सामान बेचना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। वह रोज मार्केट में जाता और फेल होकर घर वापस आ जाता, लेकिन फिर भी उसे अपने सॉकेट पर पूरा विश्वास था कि वह एक बेकार चीज़ नहीं है। फिर एक दिन पता नहीं कहां से उनके पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया और उन्होंने मन लगाकर खूब मेहनत की और इस ऑर्डर को पूरा किया, और उनकी मेहनत सच में रंग लाई और इस ऑर्डर के ज़रिए उनकी ज़िंदगी बदल गई और उस आदमी ने एक कंपनी खड़ी कर दी, जो कि है पैनासोनिक। तो आप खुद सोचिए कि क्या ये कंपनी किसी टॉपर ने बनाई या किसी बहुत महान आदमी ने बनाई? नहीं, ये कंपनी केवल एक आदमी की ज़िद की वजह से बनी, जिसे खुद पर और अपने काम पर पूरा विश्वास था कि वह एक दिन ज़रूर कामयाब होगा, और वह हुआ भी। इसीलिए जीरो से अरबों के मालिक बनने तक का सफ़र आसान तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने वह सफ़र तय किया और खूब मेहनत करी। इसी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी ज़िद कभी नहीं छोड़नी चाहिए।
और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।